भाई जिम का सेशन ओवर हो गया या आयुष इसका खत्म ही नहीं हुआ अब तक। ये अपना जिम पोजिंग अपन नंबर तो लिया मैं गुड मॉर्निंग पीपल्स। तो आज हमारी सुबह के बज रहे हैं 10 और सुबह हुई है एक फोन कॉल के साथ। फोन आया आदर्श और आयुष का कि चलो पोहा खा के आया जाए, आज सैटरडे है तो सैटरडे एंजॉय किया जाए, पोहा खा के आया जाए। तो बस निकल रहे वहीं के लिए, चलो आप भी। तो अभी दोबारा फोन आया, मैं रास्ते में था और अब हम लोग जा रहे हैं अमृतुल चाय पीने, उसके बाद जाएंगे पोहा खाने। तो देखो क्या होता है सैटरडे की सुबह सुबह एंजॉयमेंट। ये लोग डायरेक्ट जिम से आ रहे हैं और मैं सो रहा था अपना एंजॉय। कली हटा दिया क्या दाढ़ी है तो अबे ट्रिमर देना अपना। मैं पत्नी है नहीं लिया अभी तक नहीं, मैं तो अर्पित को दे दिया। तो गाइस हम लोग ने अमृतुल से चाय पी लिए, अब जा रहे हैं शायद पोहा खाने। कहाँ जा रहे हैं देखते हैं। आयुष मना कर, नहीं खाऊंगा पोहा। करे पोहा नहीं खाएगा तो फिर क्या ऐसे बैठते डाइटिंग में चल रहा है। आयुष से भी हम मिलाएंगे, रुको दिखाते हैं आयुष को कौन है और वो डाइटिंग करता है बहुत तगड़ी। गाइस ये है आयुष नगरिया, ये डाइटिशियन है। अगर आपको किसी को भी अपनी डाइट बनवानी हो चल ना बंक वाले पार्क चलते ना, बंक तो बनवा देने, ये बना देगा ये बंक। तो हम लोग आ चुके हैं, पोहा खाने गए नहीं और हम लोग आ चुके हैं ये पार्क में, बंक वाले पार्क में। बंक वाला पार्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोग बंक मार के यहाँ कई बार आ चुके हैं, साल बंक मारे इधर। इसकी आपको कहानी बताई जाएगी अगर हमारे ब्लॉग सक्सेसफुल हो गए तो। तो गाइस हम लोग बैठे थे ये पार्क में, देखो आपको माहौल दिखाते हैं पार्क का। देखिए ये अंकल बैठे हुए हैं, बड़ी ऑफिस का काम कर रहे हैं। फिर यहाँ से हम आ जाते हैं ये अंकल के पास, ये अंकल कर रहे हैं शील। और फिर ये देखो ये पिच बना हुआ है पता है क्रिकेट खेलने का। और फिर ये अंकल भी आराम से बैठे हुए हैं, हम लोग भी बैठे हुए टाइम पास कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। शांति भरा माहौल गाइस। तो जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स होते ना, यूट्यूब शॉर्ट्स चालू ही है, ये देख रहे हो। महंगे फोन का फीचर नहीं मालूम है, कोई बात नहीं। हाँ तो गाइस जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स होता है ना, तो सब लोग बोलते तो हैं कि बहुत खराब है ये वो। जैसे अभी आयुष देख रहा था, मतलब ऐसा कुछ बोल नहीं रहे, मतलब हाँ आयुष तो बेवकूफ है लेकिन बोल नहीं रहे था। लेकिन मतलब हुआ क्या, वो पूरा शॉर्ट्स देख लिया उसने, एक था घटिया था, पूरा शॉर्ट्स देख लिया उसके बाद बोला अच्छे क्या था करके। तो भाई देखा क्यों, मतलब यही शॉर्ट्स का कॉन्सेप्ट है कि दिखा लेते फिर भी दोस्त का था इसीलिए देखा। अच्छा चलो ठीक है। और गाइस ये बताओ वो फिसल पट्टी जो होती है उस पे मैक्सिमम कितने एज के लोग जा सकते हैं? इस पे जाने के लिए आयुष जिद कर रहा है क्योंकि जाने दें हम लोग के नहीं, प्लीज कमेंट करके बताएं। जंग भी लगा हुआ है आयुष, मत जा। जंग भी लगा हुआ है तो बोलता मैं पेंट करवा दूंगा। हेलो गाइस, तो जो लास्ट दिन आपने देखा उसके बाद हम लोग सब अपने अपने घर चले गए थे और फिर अभी हम लोग मेरे घर पे हैं, मैं और आदर्श, और हम लोग कुछ कुछ काम कर रहे हैं लैपटॉप पे। मैं अपना प्रोजेक्ट का देख रहा था और आदर्श भी अपना कुछ मैच वगैरह देख रहा है और बस आयुष का इंतज़ार कर रहे हैं। आयुष गए अपने किसी दोस्त के साथ स्मृति नगर रूम की तलाश में। अब किस चीज़ के लिए रूम ले रहा है वो आएगा तो हम डायरेक्ट उसी से पूछवाते हैं। तो अब शाम के समय हम लोग जा रहे हैं फिर से गेड़िया मारने। और अरे आयुष आया था, हम लोग ब्लॉग में लेना भूल गया उसको। तो आयुष अब घर जा चुका है, मैं और आदर्श जा रहे हैं घूमने उसको नाश्ता करा के घर पे। उसको नाश्ता कराया गया बढ़िया, ढोकला गुलाब जामुन और प्रॉपर कोविड के आदर्श भी हुआ दिख रहा है। कृपया
तो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं घर, तो फिर आज का व्लॉग करते हैं एंड यहीं पे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये हम लोग का मिलते हैं कल, ये हम लोग का पहला फुल व्लॉग हम लोग ने करने की कोशिश की है, तो आप लोग बताना अपनी कैसा लगा, सपोर्ट करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। सपोर्ट तो क्या ही करोगे 20-25 लोग मिलके। कमेंट कर लो बस, रीच बढ़ा दो। चलो ठीक है, मिलते हैं भाई, बाय गाइस।